हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी एड एंड एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की जिसके अंदर हम रस छंद तथा अलंकार के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा स्टार्ट करते हैं तुम आ जाते एक बार कितने करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है तो हमें बताना इन पंक्तियों में हमें कौन सा रस की अनुभूति हो रही है श्रृंगार रस वीर रस अद्भुत रस या फिर रस तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए श्रृंगार रस नेक्स्ट क्वेश्चन है माता ऐसा बेटा जनिए कै शूरा कै भक्त कहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस रचित होता है श्रृंगार रस वीर रस अद्भुत रस या फिर राइट आंसर right है बी वीर रस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं ठीक है और यही पंक्तियाँ मोस्टली इम्पोर्टेंट है जिन पंक्तियों के बेसिस पे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा रस और अलंकार है नेक्स्ट है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही इन पंक्तियों में कौन सा रस रचित होता है करुण रस श्रृंगार रस अद्भुत रस या फिर विभत्स रस राइट right आंसर है ऑप्शन ए करुण रस इन पंक्तियों से हमें करुण रस की अः यहाँ पे हमें करुण रस के बारे में पता चल रहा है नेक्स्ट है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति हुई इन पंक्तियों में कौन सा रस है भक्ति रस श्रृंगार रस अद्भुत रस या फिर विभत्स रस राइट आंसर है ए इसमें भक्ति रस की हमें यहाँ पे अनुभूति हो रही है नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है रस श्रृंगार रस अद्भुत रस या फिर विभत्स रस तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि है वीर रस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई इन पंक्तियों में कौन सा रस है हास्य रस करुण रस श्रृंगार रस या फिर शांत रस तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी है श्रृंगार रस नेक्स्ट आते हैं चरण हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस पंक्ति में किस रस की भावना हमें दिख रही है वीर रस अद्भुत रस श्रृंगार रस या फिर रौद्र रस तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी जो कि है अद्भुत रस की नेक्स्ट है कनक भूत धराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल बीरा इन पंक्ति में किस रस की भावना है अद्भुत रस है वीर रस रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस तो राइट आंसर है ए जो कि है हमारा अद्भुत रस नेक्स्ट क्वेश्चन है अस कही रघुपति चाप चढ़ाबा यह मत लक्ष्मी के मन भावा संधा प्रभु बिसिक कराला उठी उधिर और अंत जोला इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हुई है रौद्र रस अद्भुत या फिर श्रृंगार रस फ्रेंड्स तो का राइट आंसर है ए जो कि हमारा है हमारा रौद्र रस नेक्स्ट है प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मध में भोले थे, हाँ, तेरे थे केवल सब के नद में इन पंक्तियों में कौन सा रस दृष्टिगत होता है अद्भुत रस शांत रस श्रृंगार रस या फिर वीर रस राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि है हमारा शांत रस नेक्स्ट है समरस जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था चेतन था एक विलसित आनंद अखंड घना था इन पंक्तियों में कौन सा रस श्रष्ट होता है हमारा शांत रस वीरस या फिर तो आंसर है ए, जो है नेक्स्ट आते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीतामृग नैनी इन पंक्तियों में कौन सा रस है संयोग श्रृंगार करुण श्रृंगार या फिर अद्भुत राइट आंसर है सी जो कि हमारा क्वेश्चन पे आते हैं अवध कवन नारी हेतु प्रिय भाई गवाई इन पंक्तियों में कौन सा रस रचित होता है रौद्र रस भयानक रस करुण रस या फिर श्रृंगार रस तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा करुण रस नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बहुत बार रिपीट होते हैं ये वाला चरण कमल बन दो हरी राई में कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार रूपक अलंकार अनुप्रास या श्लेष तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा रूपक अलंकार ठीक है मैया मैं तो चंद खिलौना मैं कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अनियोक्ति अनुप्रास या फिर रूपक तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है भय शोक निर्वेद या फिर उत्साह तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि है हमारा उत्साह नेक्स्ट है बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम से धारे इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है करुण रस रौद्र रस वियोग श्रृंगार रस या फिर शांत रस तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस है जो गोपियाँ हैं वो श्याम यानी कि कृष्ण जी को याद करते हुए बात कह रही हैं नेक्स्ट है निम्न में कौन मात्रिक छंद है दोहा चौपाई रोला या फिर ये सभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है ये सभी नेक्स्ट है निम्न में कौन वार्णिक छंद है दोहा रोला सवैया या फिर चौपाई राइट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है हमारा सवैया नेक्स्ट है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ बिहारी इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है सोठा चौपाई दोहा या फिर सवैया तो राइट आंसर है बी चौपाई फ्रेंड्स आप एक ये बात याद रखिएगा ये मंगल भवन ये क्या है हनुमान चालीसा है और इसमें सबसे ज्यादा चौपाइया यूज हुई हैं तो अगर आपको कंफ्यूज हो तो आप इस तरह से भी आपको अगर हनुमान चालीसा पता होगी तो आप उसके बिहाफ पर भी अगर चौपाई लगाएंगे तो आपको वहां पर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए इसमें दोहा का प्रयोग हुआ है ठीक है आप इन पर मात्रा लगा के भी पता लगा सकते हैं इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कितनी मात्रा है यानी कि चौपाई में दोहा में रोला बरवे में क्या हम इसको किस तरह से कर सकते हैं तो आपको इन लोगों का मीनिंग और इनको पहचान आप पता होनी चाहिए जिससे कि आप वहाँ पर कोई भी पंक्ति देख कर पता कर पाए ठीक है आप मोस्टली मात्रा लगा के पता कर सकते हैं ऊँचे उठो दिव्य कला दिखाओ संसार में पूज्य पुनः कहलाओ इन पंक्तियों में कौन सा छंद है पिन फिर तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि है उपेंद्र वज्रा नेक्स्ट है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि पिंगल पाणी या फिर मनु राइट आंसर है ऑप्शन बी जो कि हमारा पिंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है करत करत अभ्यास के जनमत होत सुचान रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है दृष्टांत रूपक उत्प्रेक्ष या फिर विरोधाभास तो इसके अंदर प्रयोग हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा राइट दृष्टांत नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सूर सी ससी उड़ उड़गन केशवदास और कवि खगोद सम जह तह करे प्रकाश इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है अनुप्रास श्लेष यमक या फिर संधे तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा यमक अलंकार ठीक है नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स ये वाली पंक्ति भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है रूपक उपमा उत्प्रेक्षा या फिर पुनरुक्ति तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दृग उर्जत टू तत्कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति गांठ दुर्जन ही है दयन यह रीति इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है विभावना असंगति या फिर उत्प्रेक्षा तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है हमारा असंगति नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां उपमान की उपे अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए वहां कौन सा अलंकार है व्यक्तिरेख विभावना उत्प्रेक्षा या फिर रूपक राइट right आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि हमारा व्यक्ति रेख नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हे hey, प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए किस छंद में है हरी गीतिका मालिनी गीतिका या फिर बसंत तिलका तो राइट right आंसर है ऑप्शन बी जो कि हमारा मालिनी नेक्स्ट क्वेश्चन है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा श्लेष रूपक या फिर उपमा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है विभावना, या फिर यमक राइट right आंसर है ऑप्शन ए जो कि हमारा विरोधाभास नेक्स्ट क्वेश्चन है रस निष्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है संभाव विभाव अनुभाव या फिर व्यविचारी भाव तो राइट right आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि हमारा संभाव नेक्स्ट है बिनु पग सुने बिनु काना इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है उपेक्षा विभावना विशेषोक्ति या फिर असंगति तो राइट आंसर है फ्रेंड्स पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा असंगति नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदो गुरु पद कंज में कौन सा अलंकार है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा या फिर प्रतीप तो ऑप्शन बी राइट आंसर है उपमा अलंकार

एग्जैक्ट उसको देख के आप बता पाए कि ये इसका आंसर है ठीक है निम्न में से कौन एक वाणिक छंद नहीं है मत गेंद वसंत तिलका या फिर हरी गीतिका तो राइट आंसर ऑप्शन डी जो कि हमारा हरी गीतिका नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुल रावे मलहावे जोई सोई कचुकावे इन पंक्ति में कौन सा रस है श्रृंगार वात्सल्य शांत या फिर करुण तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा वात्सल्य है। नेक्स्ट है रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है बत्तीस तेईस तेतीस तैतालीस तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि हमारा तेतीस नेक्स्ट आते हैं केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है अलंकार रस वक्रोति या फिर छंद राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि हमारा अलंकार नेक्स्ट क्वेश्चन है फूले कास सकल मही छाई जनु बल प्रकट बुढ़ाई इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है उत्प्रेक्षा उपमा रूपक या फिर श्लेष तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार इस पंक्ति में किस अलंकार का आयोजन है यमक उपमा वक्रोक्ति या फिर विशेषोक्ति तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि हमारा उपमा नेक्स्ट है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है अनियोक्ति प्रतिशोक्ति पुनरुक्ति या प्रति वस्तु तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि हमारी पुनरुक्ति ठीक है पुनरुक्ति हो रही है इसमें इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है अगर आप चाहते हैं ये सारे अलंकार हम थ्योरेटिकली एक बार डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत के अनुसार ठीक है भरत के अनुसार रसों की कितनी संख्या है नौ दस बारह या चौदाह तो राइट आंसर है ए जो कि हमारा नौ नेक्स्ट है रक्त है या है नसों में छुद्र पानी जाकर तू सीस देकर दे जवानी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें हमें रस पूछा गया है रस विभत्स रस रस या फिर श्रृंगार रस राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि ये हमारा रस नेक्स्ट है चहु चहुसी कान्हा कान्हा कही टेरुबन बहत पनारे इन पंक्ति में कौन सा रस है श्रृंगार रस है करुण रस है शांत रस है या फिर वीर रस है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी करुण रस नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है काकुवृत्ति श्लेष यमक या फिर रूपक राइट आंसर है डी रूपक नेक्स्ट है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण फिर घन में ओझल हो शशि फिर शशि में ओझल हो घन इन पंक्ति में किस अलंकार की व्याप्ति है विरोधाभास है दृष्टांत है काव्यलिंग है या फिर उत्प्रेक्षा है तो फ्रेंड्स ये है हमारा दृष्टांत ऑप्शन भी राइट आंसर है नेक्स्ट है मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे इस पंक्ति में ये भी बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स इसमें रस पूछा गया है रस वीर शांत या फिर भयानक राइट आंसर है सी जो है हमारा शांत रस नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वाणिक व्रत नहीं है विलंबती, मालिनी घनाक्षरी या फिर मत राइट आंसर है सी जो है हमारा घनाक्षरी Next आते हैं रज मृदु मंजुन मंजन इस पंक्ति में किस अलंकार को महत्व दिया गया है अनुप्रास उत्प्रेक्षा वकृत या फिर श्लेष राइट आंसर है ऑप्शन ए जो कि हमारा अनुप्रास अलंकार नेक्स्ट है संदेश हो देव की सो कहो पोतो धाय तिहारो सुत को मया करत ही रहियो सूर की इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि होती है श्रृंगार रस वात्सल्य शांत या फिर भक्ति रस राइट आंसर है ऑप्शन बी जो कि हमारा वात्सल्य रस ठीक है तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय